स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गेंस कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम नेजल कैविटी रेस्पिरेटरी ऑर्गेंस में नेजल कैविटी से स्टार्टिंग होती है जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं नेजल कैविटी है नॉस्ट्रिल्स हैं और हेयर्स हैं हेयर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को रोकते हैं जो कि नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं टू होल्स प्रेजेंट इन नोज आर नॉस्ट्रिल्स वी इनटेक ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है हम नॉस्ट्रिल से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहीं से रिलीज की जाती है ऑक्सीजन का लेना इनहेलेशन कहलाता है एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन नाउ निजल कैविटी गोज टू फेरिंग्स विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड हवा और फूड का एक ही रास्ता है जो कि ट्रैकिया से होकर गुजरता है अब ट्रैकिया जो है आप यहाँ देख सकते हैं आगे फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया आती है फेरिंग्स में एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जो कि ग्लॉटिस कहलाती है विच इज़ गार्डेड बाय लिड कॉल्ड एपिग्लॉटिस इन दिस डायग्राम यू कैन सी ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस एंड फॉर वोकल कोड्स हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं ट्रैकिया क्या है ट्रैकिया इज़ मेड ऑफ कम कार्टिलेजिनस रिंग जो उसे कोलैप्स पिचकने से बचाती है ये ट्रैकिया जो है बाद में लेफ्ट और राइट right लंग में जा डिवाइड होती है ब्रोंकस के रूप में उसे वो लेफ्ट लंग में एक ब्रोंकस जाएगी और राइट right लंग में एक ब्रोंकस जाएगी वहाँ पे ये पेड़ों की शाखाओं के जैसे अलग अलग में ब्रांचेज में आपको दिखाई दे रही हैं डिवाइड हो रही हैं तो वो ब्रांचेज क्या ब्रोंकस किस में डिवाइड हुई ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल्स किस में डिवाइड हुए ब्रोंकियोल्स के जो एंड्स हैं वो सोलन होते हैं बैलून लाइक -like स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जिन्हें कहते हैं एल्वियोलाई एल्वियोलाई एक्स डज एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओके okay? और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लंग और ऑक्सीजन को ब्लड से ब्लड में देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एक्सचेंज करने में काम आती है सो दीज आर हैविंग एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल आल्सो नाउ व्हाट इज लंग लंग आर कोनिकल टू कोनिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन थोरेस्क कैविटी ऑफ ऑन आइदर साइड ऑफ हर्ट सो दीज आर ब्रॉड एंड रेस्टिंग ऑन अ डाइफ्राम एंड दीज आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड क्या पढ़ा आप यहाँ देख सकते हैं डाइग्राम में नेजल पैसेज है वहाँ से माउथ कैविटी सेम एक जगह कॉमन रास्ते में फेरिंग्स में खुल रहे हैं फेरिंग्स से आगे से, हैं। जो कि एपिग्लॉटिक्लॉटिक्स लिए होते हैं उनमें वॉइस बॉक्स होता है और एक कैविटी अ वॉइस बॉक्स अ पेयर ऑफ फाइब्रस कोड होता है जो कि वोकल कोड कहलाता है वो कहलाता है और वाइब्रेट होके साउंड प्रोड्यूस करता है ट्रैकिया देख रहे हो ट्रैकिया जो है वो ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कि ट्रैकिया को पिचकने से बचाती हैं ट्रैकिया डिवाइड्स इंटू लेफ्ट ब्रोंकस विच गोज इंटू लेफ्ट लंग एंड जो राइट right ब्रोंकस है वो राइट right लंग में जाएगी ब्रोंकस लंग्स में जाके पेड़ों की शाखाओं के जैसे विभाजित हो जाती हैं और जैसे ब्रांचेज होती हैं पेड़ों की बहुत सारी अलग अलग में वैसे आप देख सकते हो डायग्राम्स में और फिर ये जो ब्रोंकस है वो ब्रोंक्योल्स में विभाजित हो जाएंगी और ब्रोंक्योल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस एल्वियोलाई लंग्स में जाके बहुत सारी एलवियोलाई है जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उसमें डिवाइड हो जाएंगी एलवियोलाई ब्रोंकीोल्स के सिरों पर मौजूद होती हैं ये बैलून के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ये फूल जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने पर पिचकती हैं एल्वलाई कंटेंस एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल जो कि सी और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करता है अब हम पढ़ते हैं डायफ्राम आप देख रहे हैं कि डायग्राम में एक डायफ्राम है जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है जब हम सांस लेते हैं तो ये चेस्ट कैविटी फूलती है सांस लेके अब देखोगे तो हमारा चेस्ट बाहर आती है क्यों क्योंकि जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है सांस लेने पर लंग्स में हवा भरेगी तो डायफ्राम नीचे जाएगा और सांस छोड़ने पर वो ऊपर आता है लंग्स को सांस छोड़ने में सपोर्ट करता है ऊपर की तरफ पिचकाता है नॉट आर लंग्स लंग्स आर सिचुएटेड इन थोड़े से कैटी और इधर साइड ऑफ हर्ट हर्ट के दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ हमारी थोड़े से कैटी में चेस्ट में प्रेजेंट होता है और रिब्स के द्वारा गार्डेड भी होता है दे आर ब्रॉड एंड रेस्टिंग एट डायफ्राम आप देख सकते हैं लंग्स के ऊपर बैठे होते हैं ये डायफ्राम के ऊपर बैठे होते हैं लंग्स दीज आर कवर्ड बाई अ डबल मेमब्रेन कॉल्ड प्लूरा जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है फ्रिक्शन से चेस्ट वॉल से फ्रिक्शन ना हो ठीक है ये लंग्स थे और लंग्स जो किससे बने होते हैं न्यू उम्रस एल्वियोलाई एल्वियोलाई जो है वो लंग्स की यूनिट है दिस वॉज ऑल अबाउट अवर रेस्पिरेटरी ऑर्गेन इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी रेस्पिरीशन प्रोसेस और रेस्परेशन में होता क्या है क्या टूटता है क्या बनता है थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक